तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आठवें अध्याय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महिला जाति एवं सुधार, यानी अंग्रेजी शासनकाल के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसा था और उसमें सुधार के लिए कौन कौन नेताओं ने आंदोलन किया। यह है एनसीईआरटी का आठवीं क्लास का और इसके बाद इसी क्लास में इसी वीडियो में बिहार बोर्ड का भी पढ़ लिया जाएगा जिसमें महिला और जाति के सुधार के बारे में क्या लिखा गया। दोनों क्लास को मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों में थोड़े बहुत अलग कंटेंट दिए हुए जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये नाइन्थ और टेंथ है और जो इसके बाद नाइन्थ चैप्टर और टेंथ चैप्टर, दो चैप्टर और बच जाएगा उसके बाद जो एनसीईआरटी का जो है आधुनिक भारत का जो इतिहास से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो आप अपनी सजेशन दीजिएगा कि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद बिहार का स्पेशल मैं एक चला दूँ जिसमें बिहार के इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास खासकर, उसको डिटेल से समझा जाए। एक ही वीडियो आएगा जिसमें एक से डेढ़ घंटे का क्लास होगा जिसमें पूरे इतिहास को, मैं बिहार के इतिहास को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आप अपनी राय एक बार लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसको कब से शुरू कर दिया जाए, कल से शुरू कर दिया जाए या दो तीन दिन वेट करके शुरू किया जाए, कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, करंट अफेयर पर या बिहार वाला पर देख लिया जाए या साइंस वाले पर। तो अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है महिला जाति एवं सुधार। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। नीचे आएंगे तो देखेंगे 200 साल पहले की अगर हालात देखेंगे, मतलब कि शुरुआती समय में जब अंग्रेजों का शासनकाल से पहले अगर महिलाओं के हालात देखा जाए तो भारत में चाहे हिंदू मुस्लिम महिलाएं हो या मुस्लिम महिला हो, दोनों पर ही अत्याचार तो हो ही रहा था शुरू से ही। ठीक है ना, चाहे जाति के आधार पर हो चाहे उनको महिला के आधार पर हो, महिलाओं के पास बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ थी जो कि बहुत गलत थी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सती प्रथा लिखा हुआ है। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। देखिए, ये पुरुष प्रधान द्वारा बनाया गया जबरदस्ती का कानून था जिसमें महिलाओं को, जिसमें पुरुषों को मरने के बाद महिलाओं का जबरदस्ती उनको चीते पर बैठा जाता था। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं पहले से। ठीक है, और ये तभी हो रहा था जब महिलाओं में क्या था कि शिक्षा का अभाव था, यानी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी तो इस कारण से ये चीज़ें हो पा रही थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेंगी, वही बदलने के कारण ही आगे मालूम चलेगा। जहाँ लिखा हुआ सती बाल्थासर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है सती का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन बाय द वे बीपीसी है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण जाति और ऊंच नीच जाति की बात कर रहा है। ब्राह्मण जाति अपने आप को बड़े बोलते थे और जब प्राचीन इतिहास में जो पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि जो धर्म था वो चार वर्णों में बैठा हुआ था। पहले को सबसे ऊपर जो था लो उसको बोला जाता था कि ब्राह्मण बोला जाता था। पहले क्या था भैया? ब्राह्मण था लो। उसके बाद जो था लो क्षत्रिय था लो। उसके बाद जो था सब, उसके बाद था लो जो वैश्य था लो, वैश्य और वैश्य था लो। उसके बाद सबसे लास्ट में शूद्र था लो। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन थे? शूद्र जाति के लोग थे। ब्राह्मण जो, यानी जो पढ़ेगा वो ब्राह्मण, जो लड़ेगा वो क्षत्रिय, जो बिजनेस वगैरह करेगा वो वैश्य, मतलब अच्छे खासे बिजनेस करेगा, और जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं वो करेंगे वो शूद्र कहलाते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो जाति की व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी कि वैदिक काल के बाद धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो ये वंश अनुगत हो गया, यानी कि ब्राह्मण के बेटा ही ब्राह्मण का नाम लेगा और क्षत्रिय के बेटा ही क्षत्रिय का नाम लेगा। इस तरह क्या हुआ कि आने वाले समाज में एक ऊंचा वर्ग और नीचा वर्ग बनते गया। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण जो है ऊँचे वर्ग कहलाए और जो शूद्र थे वो नीचे वर्ग कहलाए थे। ब्राह्मण देख सकते हैं ऊँची जाति के लोग और व्यापार और महाजन करने वाले वैश्य कहलाए, और वही काश्तकार या बुनकर या कुम्हार यानी छोटे लोग जो थे उन्हें शूद्र कहा गया। ठीक है, अब शूद्र लोगों से भी नीचे थे जिनको अछूत कहा जाता था। शूद्रों से भी नीचे थे, उनकी स्थिति और खतरनाक दयनीय थी और ऐसा माना जाता है कि उनका ही मूल निवास भारत में था क्योंकि भारत उन्हीं का था। ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म ये सब बाहर से आए, यानी उन्हीं का कहने, उनके कहने के अनुसार जो हिंदू धर्म थी ये आर्य समाज से, हम लोग पढ़ते भी हैं इतिहास में कि आर्य जब भारत में आए तो संस्कृति की शुरुआत हुई, तो आर्यों ने भारत का शुद्धिकरण किया या संस्कृतिकरण किया या संस्कृत का फैलाव किया, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा आगे मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है इसके बारे में। ठीक है, और भारत के ही मूल निवासियों को अछूत माना गया क्योंकि भारत के मूल निवासियों पर अत्याचार किया गया। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। क्वेश्चन पूछता है कि सती की प्रथा के खिलाफ में किसने आवाज़ उठाया था? तो राजा राम मोहन राय आवाज़ उठाए थे। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं राजा राम मोहन राय वेस्टर्न कल्चर को यानी पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि भारत में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएँ हैं जो कि उसमें बहुत सारी कमी है, और राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद कीजिएगा, इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है कि जो ब्रह्मा से मिलना चाहता है वो राजा ही होगा, है ना, चाहे मन से राजा हो या धन से राजा हो, तो राजा ही ब्रह्मा से मिल सकता है ना। तो राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना किए थे? ब्रह्मा समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा है कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को राजा राममोहन राय संस्कृत फारसी और अन्य भाषियों के और साथ साथ यूरोपीय भारत और यूरोप के बहुत सारे भाषाएं जानते थे। याद रखिएगा राजा राममोहन राय संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे और अन्य यूरोपीय भाषा भी यानी इंग्लिश वगैरह सारी कुछ भाषा तो भाषा भी एक तरह से थे यानी बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, राजा राममोहन राय रेमब्रांट पील द्वारा बनाया गया इनका चित्र है राजा राममोहन राय का। ठीक है, नीचे आया था लिखा हुआ है कि 1829 ईस्वी में इनके सहयोग से क्या किया गया कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया राजा राममोहन राय के कहने पर उनके सहयोग से। नीचे आएंगे तो यहाँ साइड में देखेंगे, इस साइड में इस पेज में आते हैं तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये भी ये लड़े हुए थे विधवा कानून के लिए। विधवा कानून के लिए पहले क्या था ना कि जो विधवा विवाह नहीं किया जाता था तो ये चाहते थे कि विधवा पुनर्विवाह हो, यानी कि विधवाओं की भी शादी किया जाए, जो इनकी पुरुष मर जा रहे हैं उन विधवा को सती में ना झोंका जाए, उनकी शादी हो। ठीक है, तो विधवा के लिए लड़े हुए थे विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे कौन थे भैया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा बहुत सारे ये ग्रंथों के हवाला दिए और हवाला देने के बाद ये उन्होंने कहा कि कहीं भी इस ग्रंथ में नहीं लिखा है कि इनको सती किया जाए, है ना, जितने भी विधवाएं हैं उनकी शादी होनी चाहिए। तो विधवा के पक्षधर थे, 1886 ईस्वी में विधवा विवाह कानून पारित किए। ठीक है, तो विधवा विवाह के पक्ष में ये इन्होंने कानून पारित करवाया 1856 में। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा के कानून प्राप्त हुआ सती प्रथा के खिलाफ में, और विधवाओं के विवाह के लिए कानून बना 1856 में, याद रखिएगा। ठीक है, नीचे का तरीका है उत्तर में आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्य को दया नहीं आती है। ठीक है, तो इस ट्रिक से छोटा सा ट्रिक से याद रखिएगा, तो आर्य को क्या होती है, नहीं आती है दया। ठीक है, आर्य दया, ठीक है, आर्य से दया याद रखिएगा। तो आर्य समाज जो है उसकी स्थापना किसने कर रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। यहाँ लिखा है कि दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, दया से आर्य याद रखिएगा, आर्य दया से। ठीक है, हिंदू धर्म के सुधारने का प्रयास किया। अब पूछे क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म को सुधारना। ठीक है, हिंदू धर्म के सुधारने के लिए किया गया था। ठीक है, नीचे आते तो इस साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा आर्य समाज से द्वारा पंजाब में, आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। तो क्वेश्चन पूछेगा पंजाब में किस समाज द्वारा लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया था, तो आर्य समाज द्वारा, और वही महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा गर्ल्स स्कूल मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल का खोला गया। ठीक, और इनका देखा देखिए मुमताज वाली थी, मुमताज अली जैसे सुधारकों ने भी कुरान शरीफ का हवाला देते हुए महिलाओं को शिक्षा को लिए जागरूक किया या प्रेरित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने के लिए किसने आवाज़ उठाया था, तो मुमताज अली ने उठाया था। ठीक है, क्वेश्चन देते सिंपल क्वेश्चन देते इनमें से किन मुस्लिम महिला ने महिलाओं के या मुस्लिमों को पढ़ने के लिए आवाज़ उठाया था, किस सिंपल मुस्लिम महिला ना भी दे तो दे देगा सीधे सीधे, निम्न में से किस महिला ने मुस्लिम महिलाओं के पढ़ने के लिए आवाज़ उठाया या कुरान के हवाला दिया, तो मुमताज अली। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है कि भोपाल में बेगम भोपाल की बेगम जो थी वो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल किसने खोला था, तो याद रखिएगा भोपाल के बेगमों ने। ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर में सबसे प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, एकदम इसको पकड़ के रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला, तो उनका नाम याद रखिएगा बेगम रुकैया सखावत, है ना, तो रुकैया सखावत थी ना, सखावत जो थी ना वो पटना बिहार के लिए एक तरह से महिलाओं के सखी के रूप में काम की, मतलब उनकी शिक्षा के लिए काम की। तो जो थी रुकैया सखावत कौन थी, तो रुकैया सखावत जो मुस्लिम महिला थी जो मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल खुलवाई। ठीक है, वही भोपाल में कौन थी, तो भोपाल के भी बेगमों ने क्या किया था, अलीगढ़ में एक छोटी सी अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल खुलवाया था लड़कियों के लिए। एक्चुअली अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरुआती समय में जब बना था उसमें सिर्फ लड़कों के लिए था, यानी सर सैयद अहमद खान लड़कियों के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, और यहाँ तक कि वो तो सपोर्टर भी नहीं थे लड़कियों की पढ़ाई में, ये बात याद रखिएगा इतिहास में कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। और बाद में उनको दूसरे लोगों ने उनका समझाया तब जाकर लड़कियों को भी इजाज़त मिला उसे पढ़ने के लिए। ठीक है,
आगे आएंगे तो 1880 ईस्वी के दशक में आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगी, यानी 1880 तक आते थे महिला जो है पढ़ने लगी। लेकिन यहाँ देखेंगे तो पूना में एक घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करने वाली थी ताराबाई शिंदे। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न से कौन सी महिला थी जो घर पर ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, ताराबाई शिंदे, जिनके द्वारा एक किताब लिखा गया, नाम था स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष की तुलना नामक किताब किसने लिखा था, ताराबाई शिंदे। ठीक है, स्त्री पुरुष से याद रखिएगा कि ऐसे लोग मानते हैं कि जमीन और तारे का फर्क है, मतलब जमीन और आसमान यानी तारे जमीन का फर्क है। ठीक है, तो वो ताराबाई से याद रखिएगा, ताराबाई जो थी स्त्री पुरुष की जो फर्क थी यानी तुलना थी उसके बारे में ये समझाने की कोशिश की, उनकी किताब था। ठीक है, इसमें सामाजिक मुद्दे पर बात किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री पुरुष तुलना जो है ये किताब पर किस मुद्दे की बात की गई है, या किस मुद्दे पर इस पर बात किया गया था, सामाजिक फर्कों के बारे में बात किया गया कि समाज जो है कैसे बांट दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो संस्कृत की महान विद्वान थी पंडित रमाबाई, याद रखिए पंडित रमाबाई जी थी वो संस्कृत की महान विद्वान थी, जिसने पूना में एक विधवा गृह बनाया था उन विधवाओं के लिए जिनको मतलब शादी के जब उनके हस्बैंड मर गए तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था कराई थी। तो याद रखिए पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने कराया था, तो विधवा गृह की स्थापना कराया था पंडित रमाबाई, जो कि विद्वान एक विद्वान पंडित थी रमाबाई, संस्कृत की विद्वान पंडित थी। ठीक है, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है ना कि पुराने विचारधारा वाले लोग जो कि पुराने धार्मिक रीति रिवाज से चलते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे सती प्रथा चल रहा है तो वही चलेगा, बाल विवाह चल रहा है तो वही चलेगा। तो ये सब रूढ़िवादी विचारधारक होते हैं जो चेंजिंग नहीं चाहते हैं समाज में। सबके बारे में याद रखिएगा 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, यानी कि 1929 में बाल विवाह, 1829 ईस्वी में सती प्रथा, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह, ये सब आयोग के नाम याद रखिएगा कब कब ये सब लागू हो रहा है। 1929 में बाल विवाह पर क्या की गया, रोक लगा दिया, निषेध मतलब होता है रोक लगाना, निषेध अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद नियम बना दिया कि 18 वर्ष का लड़का होना चाहिए और 16 वर्ष की लड़की होनी चाहिए। अब जो है वर्तमान समय में ये जो नियम है 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, लेकिन ये भी नियम जो है हाल ही फिलहाल में चेंज होने वाला है, 21 वर्ष की लड़की और 24 वर्ष का लड़का होना चाहिए शादी के लिए, जो कि इस बार जो नियम से जो है वो लागू हो जाएगा। और ये लड़कियों को कम उम्र में विवाह करने का अगर प्रचलन देखा जाए तो प्राचीन समय में हर धर्म में था, लेकिन अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो मुसलमानों में ज़्यादा है। ये रियली बात है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये फैक्ट है, रियल बात है कि आज भी धरातल पे यहाँ लिखा है ना कि आज भी भारत में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी जो 18 वर्ष से कम उम्र पहले हो जाती है। अगर उस 20% में देखा जाए तो 20% में मोस्टली जो होंगे वो मुस्लिम समाज के होंगे, जो मुस्लिम समाज की जो समाज है वो लड़कियों को जल्दी कम उम्र में ही लड़की की शादी कर देता है। ये एक बड़ी समस्या है जो मुस्लिम समाज के लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए, खासकर वो भाषण देने वाले मौलानाओं से आग्रह है कि इस सब चीज़ में अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, समझ ना, तो ये चीज़ें जो है ना आज भी है, प्रचलित है ना, 20% बात कर रहा है तो है अभी भी मुस्लिम ये समाज में है, ये तो सच्चाई है, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। नीचे ये तो देखिएगा तो मुंबई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हो रही, तो पूछेगा परमहंस मंडली की स्थापना कब हुआ, तो 1840 में हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा है जॉन एलन नामक एक कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का बड़ी बच्चा वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि मतलब किसी बच्चे को बताया जाएगा इस टॉपिक के बारे में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चे को, उस टाइप का बीपीएससी खूब उठा रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि आपको टीचर बनना है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें जान रहा है, मतलब पूछना चाहता है कि इसके बारे में आप जानते कि नहीं, जानते रहेंगे तब ना बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करा बच्चों को उसमें बताया, मतलब इंटरेस्ट लगेगा तब ना बच्चे को। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ, तो याद रखिएगा लिखा हुआ है जॉन एलन नामक एक कूली जहाज है, कूली जहाज मतलब तो मजदूरों को ढोने वाला था। ठीक है, कूली ऐसे नहीं होता स्टेशन पर मिलेगा लो सामान ढोने वाला, ठीक है, मजदूर लो, तो जॉन एलन नामक एक कूली जहाज है जो भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, और इन्हें तरह तरह का कठोर काम कराने पड़ते थे, इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों को देते। इसमें जानने वाली बात क्या है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा निम्न में से किन जहाज़ों से मजदूरों को लेकर जाया जाता था, तो जॉन एलन नामक जहाज से, जॉन एलन नामक एक कूली जहाज से, ठीक है, या सिर्फ देते कूली जहाज से। और क्वेश्चन पूछेगा कहाँ लेकर जाया जाता था, तो निम्न में से इन देशों में लेकर जाया जाता था, तो उसमें एक हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, याद रखिएगा मॉरिशस ले जाता था, कौन सा जहाज था, जॉन एलन नामक कूली जहाज।
अब यहाँ जूते बनाने वाला जो समुदाय है, इस समुदाय के अंदर रखेगा, जैसे चमार जैसे हम लोग मोस्टली भाषा में बोलते हैं लोग, तो ये आंध्र प्रदेश में है ना, जूता बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो जो मोची होते हैं, जिनको चमार के से भी लोग बोलते हैं कि उन जाति के लोग, निम्न जाति के लोग जो होते हैं वो बनाते हैं, या मोची लोग बनाते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश इनको मदिया बोला जाता था, ठीक है, मदिगा बोला जाता था। तो आंध्र प्रदेश में जो मोची लोग थे, जो चप्पल जूते बनाने वाले, जो चप्पल चमड़े के जो कारोबार करते थे चप्पल जूते बनाने वाला, उनको मदिगा बोला जाता था। कहाँ भैया? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्हें जो है ना अछूत माना जाता था ना, अछूतों का इन पर, अब उसके लिए क्या कि अछूत माने जाने से महार समुदाय के बहुत सारे लोगों ने महार रेजिमेंट में नौकरी मिली। अब इनको एक अलग ही रेजिमेंट में जॉब मिलता था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, सॉरी सुभाष चंद्र बोस भीमराव अंबेडकर जो थे, उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, और इसी तरह के सैनिक स्कूलों में उनके पिता क्या पढ़ाते थे, भीमराव अंबेडकर के पिताजी, किस तरह का इनके लिए एक अलग ही व्यवस्था थी, स्कूल की व्यवस्था अलग थी महार के लिए, महार मतलब कि ये छोटे निम्न जाति के लोगों के लिए। आ गया जी, अब यहाँ लिखा है 1829 ईस्वी में मतलब अछूतों लोगों को सरकारी स्कूलों में घुसने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक उनको बाद में हल्ला करने के बाद उनको सिर्फ गेट पर के पास बैठकर पढ़ने की अनुमति थी, वहीं पर गेटे पर ही पढ़ के भीमराव अम्बेडकर जो है शिक्षा ग्रहण किए थे। यहाँ लिखा है कि गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार में आम ढोकर ले जा रहे हैं, तो बस आम ढोकर ले जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं हम लोग को, मतलब है कि गुजरात के जो दुबला समुदाय, बस याद रखिए दुबला समुदाय पूछ दे कहाँ की है, तो गुजरात की है, ठीक है। दुबला समुदाय जो है वो स्वर्णों के पास में क्या करते थे, मजदूरी क्या करते थे, ठीक है। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, तो पूछेगा मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो घासीदास ने किया था, ठीक है। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। तो जो हरिदास जो थे वो ब्राह्मणवादी जितने भी नियम कानून थे उस पर आवाज़ उठाई, जिसे क्या कहा जाता है, केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा, उन्होंने जातिगत व्यवस्था के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करने का विरोध किया, और उनके अनुसार मानवता ही एक जाति है, मानवता एक ही जाति है, यानी कि श्री नारायण गुरु कहते थे क्या भाई कि मानवता एक जाति है, कोई जात धर्म नहीं होता, ठीक है। रियली बात तो यही है ना, उनका मानना था एक धर्म एक ईश्वर, ठीक है, मतलब एक ही धर्म है, मानव का एक ही जाति एक ही धर्म है, और वो है मानवता धर्म, ठीक है। तो ऊपर से याद रखिए, फिर से मध्य भारत में जो सनातनी आंदोलन शुरू किए थे घासीदास ने, ठीक है। हरिदास जो थे वो ब्राह्मणों से सवाल पूछे थे, जिसे आज हम लोग केरल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एझावा जाति के नारायण गुरु थे, उन्होंने भी क्या किया, लोगों के बीच में एकता लाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि कोई जाति नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है, सबका एक ही जाति मानव जाति होता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ था, ये BPSC में TRE 3 में ही आया हुआ था, TRE 3 में क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, कि गुलामगिरी जो है पुस्तक ये इस पे मतलब किस पे विशेष किस आधारित था, किस पे बात कर रहा था। तो गुलामगिरी निम्न जाति के नेताओं ने जो ज्योतिराव फूले थे सबसे मुखर नेताओं में से एक थे, तो याद रखिए गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लिए रचनाकार कौन थे, तो ज्योतिराव फूले, ठीक है। और ये ज्योतिराव फूले 1827 ईस्वी में ये ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे, देखो ये लोग सब मानते थे कि आर्य यानी कि जो ब्राह्मण जाति के हिंदू थे या बड़े धर्म के जो हिंदू थे, यानी मोस्टली जो हिंदू थे वो सब क्या थे कि आर्य विदेशी थे, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और इन्होंने मिट्टी की असली अगर वारिस माना जाए तो आर्य मूल निवासी अगर माना जाए तो किसको माना जाएगा, जो अभी गुलाम बन के रह रहे हैं यानी कि छोटे जाति के लोग, ये मूल निवासी है भारत के। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूलों ने दावा किया कि आर्य के शासनकाल से पहले यहाँ स्वर्ण युग चल रहा था, यानी कि आर्य जब आए तो यहाँ पर इस पूरी तरह से नियम कानून बदल दिए और हम लोगों को जीवन नरक कर दिए, इनका जीवन मतलब निम्न जाति के लोगों के हिसाब से ना, ठीक है, इनके कहने के हिसाब से। फूलों द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिराव फूले नामक, ठीक है, ज्योतिराव फूले ने किया था। तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना, गुलामगिरी की स्थापना, ये सब ज्योतिराव फूले ने किया था, ठीक है, ये ज्योतिराव फूले जी हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक 1873 ईस्वी में फूले ने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ था जिसमें गोरे काले की भेद थी, और अमेरिका में दास प्रथा जो था उसको समाप्त किया गया था। उस अमेरिकी की दास प्रथा को भारत की गुलामी मतलब मुक्ति दिलाने के लिए उसको उसे रिलेट करके बता रहे थे कि कैसे अमेरिका में जो है दास प्रथा का अंत हुआ या वहाँ पर जो भेदभाव था उसको दूर किया गया। तो भारत के निम्न जाति को, भारत क्या करते, भारत के निम्न जाति को अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा का
एक साथ जुड़ते थे। जैसे अमेरिका में काले लोगों का दुर्दशा था, उसी तरह वो कहते थे कि भारत में भी निम्न जाति के लोगों की दुर्दशा थी। यानी मोस्टली बात किया जाए तो निम्न जाति के बारे में ये आवाज़ उठाते थे, हम भी इंसान है 1927 में अंबेडकर ने कहा था। या देखिए क्वेश्चन पूछ देगा हम भी इंसान है, किसने बोला था, तो 1927 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे। ठीक है, नीचे आएंगे तो पश्चिमी भाग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि निम्न जाति के सुधार आंदोलन चला रहे थे। और दक्षिण साइड में देखेंगे तो ईवी रामास्वामी नैयर थे जिन्हें महान दलित नेताओं को इन्होंने नेतृत्व किया। ये लोग थे नेतृत्व करते थे पश्चिम साइड थे भीमराव अम्बेडकर, दक्षिण साइड थे यानी नीचे देखेंगे ये दक्षिण साइड से थे कौन थे भैया, तो रामास्वामी नैयर, और ये पश्चिम साइड यानी इस साइड में थे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये सभी लोग जो जाति के मामले में निम्न जातियों के खिलाफ जो अत्याचार होता उसकी उसके खिलाफ में ये आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो अम्बेडकर एक महार परिवार से में पैदा हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अम्बेडकर किस परिवार में पैदा हुए थे, तो महार परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, नीचे आएंगे तो 1919 ईस्वी में ये लौटे, तो ये पढ़ाई करके अमेरिका से अमेरिका में मतलब बाहर से इंग्लैंड से जो पढ़ाई करके और उसके बाद से वापस लौटे, ये अमेरिका से होते हुए भारत लौटते कब, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी भारत में कब आए थे, ये तो मोस्टली क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर भारत में बाहर से शिक्षा ग्रहण करके भारत में कब आते, तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में अम्बेडकर ने मंदिर में जो प्रवेश में बंद था कि छोटे जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाया और कई लोगों के साथ ये मंदिर में जाकर घुसने लगे, जिसके कारण वहाँ पर मंदिर के जो पुजारी थे पंडित थे वो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। ये आज भी है, ऐसे भी आज भी छोटे जाति के लोगों को मंदिर में बहुत सारे मंदिरों में जाने से वर्जित है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन मतलब वही इनका गैर ब्राह्मण आंदोलन जो था ईवी रामास्वामी नैयर जो थे, इनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हुए यानी आर्य समाज, वो आक्रमणकारी वंशज के थे। ये भी वही बात बोल रहे हैं जो कि ज्योतिराव फूले बोल रहे हैं कि बाहर से आए हुए थे और यहाँ पर आक्रमण करके अपना जगह छेक लिए। पेरियार के नाम से ये रामास्वामी अय्यर जो थे प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन कई बार ये पूछा हुआ था कि रामास्वामी को निम्न से किसे पेरियार कहा जाता था, तो रामास्वामी नैयर को। ठीक है, ये सन्यासी थे याद रखिए और कांग्रेस के शुरुआती में सदस्य थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब उनकी बैठने की जो व्यवस्था थी मतलब जहाँ खाने पीने या बैठने की व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, निम्न जाति के लोग अलग बैठाया जाता और उच्च जाति के लोग अलग बैठाया जाता, तो इस बात से उनको बहुत ज़्यादा आहत पहुँचा और वो क्या किए छोड़ दिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी। और मूल द्रविड़ और ये मानते थे कि मूल तमिल और द्रविड़ जो असली यहाँ के असली वाहक है वो अछूत ही रह गए और जो बाहर से आ रहे अरे समाज वाले जो बाहर से वो यहाँ पर आज जो है बड़े जाति बन के घूम रहे हैं। मतलब मूल सिंपली बात उनके कहने का मतलब है कि भारत में न ही मुसलमानों का देश है न ही हिंदुओं का देश है, ये जो देश है आदिवासियों का देश है या निम्न जातियों का देश है। ठीक है, फिर यार हिंदू वेदों का कट्टर विरोधी, तो क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू ग्रंथों का या हिंदू पुराणों का कट्टर आलोचक या विरोधी कौन था, तो फिर यार था। ये खासतर मनुस्मृति जो है मनुस्मृति की रचना जो संहिता है भगवत गीता है और रामायण का तो कट्टर आलोचक थे। उनका मानना था कि इस सब में निम्न जातियों को छोटा दिखाने की कोशिश किया गया और उच्च जाति को वर्चस्व को बढ़ाया गया। ठीक है, आगे आते हैं ब्राह्मो समाज की स्थापना देखेंगे, तो ब्राह्मो समाज देखेंगे तो केशव चंद्र सेन जो है ये ब्राह्मो समाज की स्थापना किए, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है केशव चंद्र सेन द्वारा ब्राह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो ब्राह्मो समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, और ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये उपनिषदों में विश्वास रखते थे लेकिन मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अब यहाँ लिखा है कि डेरोजियो एम यंग बंगाल, ठीक 1820 ईस्वी में दशक में हेनरी लुइस विविनियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के कलकत्ता के अध्यापक थे। अब आइए ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी ये स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। ठीक है, ये समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य के ऊपर जोर देते, मतलब बोलते थे कि बिना स्वार्थ के समाज सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इनका मूल नाम था, याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो 1893 ईस्वी में शिकागो में ये विश्व जो सम्मेलन हो रहा था धर्म सम्मेलन, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि किस भारतीय व्यक्ति ने विश्व में जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें गए हुए थे या अपनी ख्याति बिटोर के लिए गए हुए थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद थे, ये पहले व्यक्ति थे जो विश्व में अपनी इतनी ख्याति को लेके आए थे। इनको मानना था कि रसोइयों में धर्म, ये कहते थे कि भाई रसोइयों घर में धर्म रहने से मतलब कि अपने धर्म को अपने ही तरफ सीमित रखिएगा तो धर्म करना प्रचार हो पाएगा और ना ही धर्म के बारे में लोग जान पाएंगे कि एक्चुअली में धर्म क्या कह रहा है। ठीक है, अब आइए प्रार्थना समाज को देखेंगे,
तो प्रथम 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज के जातीय बंधन को खत्म करने और बाल विवाह को रोकने में प्रयास किया। ठीक है, तो बाल विवाह को रोकने का प्रयास और जातीय जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए कौन प्रयास किया, तो प्रार्थना समाज ने प्रयास किया। वेद समाज देखेंगे तो वेद समाज 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई। सिर्फ याद रखिए वेद समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1864 में हुआ। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और रूढ़िवादी अंधविश्वासों में अनुष्ठानों में निंदा करते थे। मतलब ईश्वर मानते थे कि ईश्वर है, लेकिन ये अंधविश्वास वाला जो मैटर था उसको ये नकारते थे कि अंधविश्वास नहीं मानेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो मालूम है सर सैयद अहमद खान जो थे 1875, बस डेट याद रखिएगा 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का स्थापना कराया। कब, 1875, किसने, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, आगे आते तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिखों द्वारा सुधार कार्यक्रम चलाया गया और उसमें सिखों द्वारा सी सभाओं की स्थापना की गई। 1873 में अमृतसर में सी सभा बना और 1879 यानी 79 में लाहौर में सी सभा बना। उसके बाद सी सभा के ही लोगों ने क्या किया कि खालसा कॉलेज की स्थापना किया अमृतसर में 1892 में। तो याद रखिएगा 73 में अमृतसर में बन रहा है सी सभा और 89 में बन रहा है लाहौर में, और 89 के बाद 92 में बन जा रहा है खालसा, अमृतसर में खालसा कॉलेज नाम से कॉलेज बनाया जा रहा है। ठीक है, ज्योतिराव फुले की जो गुलामगिरी में है, जो गुलामगिरी में क्या किया गया, तो जाति उत्पीड़न और अमेरिका की प्रचलित दास प्रथा के बारे में संबंध बताया गया। और यही क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, तो ज्योतिराव की जो गुलामगिरी पुस्तक है उसमें किस बात पर चर्चा की गई, तो जाति उत्पीड़न में यानी जातियों के बारे में बात की गई और साथ साथ अमेरिका में प्रचलित जो दास प्रथा है इसके बीच के संबंध को बताने की कोशिश किया गया कि जैसे उनकी हाल, जैसे मतलब जैसे अमेरिका की हाल वैसे अमेरिका के दासों का हाल है, वैसे हमारे देश के भी गरीब लोगों का, निम्न गरीब लोग नहीं छोटे जाति के लोगों का हाल है। ठीक है, ये छोटे जाति के लोग जिनको गुलाम बनाकर उठा के लेके जाया जाता था मॉरिशस वगैरह, जो कि जहाज अभी जस्ट पड़े लो, ठीक है, तो वो कपास वगैरह या अन्य बगानों में ये काम करने के लिए इनको लेके जाया जाता था। ठीक है, तो फाइनली हो गया हम लोग का ये कंप्लीट। अब पढ़ते लो बिहार बोर्ड का, उसको भी निपटा लेते लो। बिहार बोर्ड में चीज़ें सेम दी गई है, दो अलग दिया गया, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा वो भी क्लियर, तो कहीं जाना नहीं है, बिहार बोर्ड पढ़ लीजिए ताकि दोनों में कंपेयर कर सके। ठीक है, आ जाइए इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो लिखा हुआ जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। सेम वही बात है जैसे कि एनसीईआरटी में था, तो इसमें जानते हैं क्या क्या जाति व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ प्राचीन काल में, देखो यही चीज़ें मैं बोल रहा था उसमें नहीं दिया हुआ था, प्राचीन काल में चार भागों में बटा हुआ था जाति व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो निम्न जातियाँ जो थे उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में इनको चंडाल बोला जाता, बिहार में डोम बोला जाता था, दक्षिण बिहार में भुइया बोला जाता था, महाराष्ट्र में महार बोला जाता था, महाराष्ट्र में महार जो वही महार जाति कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र साइड में के, ठीक है, उत्तर भारत में इनको, उत्तर भारत के क्षेत्र में इनको चमार बोला जाता था। ठीक है, तो छोटे जाति के जो लोग हैं जो चमड़े बनाने वाले काम करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में अभी जस्ट पढ़े लोग एनसीईआरटी में कि आंध्र प्रदेश में उन्हें क्या कहा जाता है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आंध्र प्रदेश में इन्हें क्या कहा जाता था जो चमड़े बनाने वाले लोग थे। ठीक है, तो इन चमड़े बनाने वाले यानी कि जो मोची जिनको बता रहा था कि वे लोग को अलग जगहों पर अलग बोलते हैं, जैसे कि बंगाल में इनको चंडाल बोलते हैं और बिहार में इसको डोम बोलते हैं और दक्षिण बिहार में इनको भुइया बोला जाता है, दक्षिण बिहार में यानी पटना साइड में भुइया बोला जाता है। ठीक है, और वही आप देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिण बिहार और बिहार में। ठीक है, दक्षिण बिहार में जो चमड़े बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, तो उन्हें दक्षिण बिहार में कहा जाता है भुइया और उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में नहीं पूरे बिहार में इनको डोम कहा जाता है, और उत्तर भारत में कहा जाएगा तो चमार कहा जाएगा, महाराष्ट्र में महार कहा जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे, आगे जानेंगे। यहाँ लिखा अत्यंश, एक वर्ड लिखा अत्यंश, ये चीज़ें तो हो ही गई। ठीक है, अत्यंश, अब ब्राह्मण तो मालूम है, ब्राह्मण मतलब वो वर्ग जो पढ़ाने काम करता है, पंडित जी वाले लोग। ठीक है, अत्यंत मतलब क्या होता है, समाज का वैसा वर्ग जिससे सभ्य समाज के परिधि से बाहर रखा, यानी कि अत्यंत मतलब उसको अत्यंत दूर रखा गया, समाज की मुख्य धारा से उसको दूर रखा गया है ना, अब उनको नीच जाति वाले लोग समझिए वो अत्यंत कहलाएंगे। ठीक है, अब महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में अब हम लोग पढ़े लो इसमें और देख ले तो क्या क्या चीज़ें दी है। यहाँ लिखा आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीन बंधु नामक मराठी पत्रिका के, तो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा और उसमें नहीं दिया हुआ था, दीन बंधु नामक मराठी पत्रिका की स्थापना किसने किया था भैया, तो ज्योतिराव फूले ने किया था। 1873 ईस्वी में गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी ज्योतिराव फूले ने, ठीक है, जिसकी तुलना अमेरिका के निग्रो यानी कि काले गुलामों से, अब याद रखिए ये भी वर्ड नहीं लिखा था, अमेरिका के निग्रो यानी काले गुलामों क्या बोला था, अमेरिका के निग्रो को, तो दो चीज़ मिला हम लोग को इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, दीन बंधु नामक पत्रिका और अमेरिका के निग्रो यानी काले गुलामों के बारे में चर्चा उसमें नहीं थी, तो इससे तुलना करते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी बहुत सारा इंपॉर्टेंट, गुलामी जो किताब है उनकी जो पुस्तक है ये अमेरिका के बारे में, वही चीज़ अमेरिका के जो दास थे गुलाम थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद फूले द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, और ये किताब लिखे थे काश्तकारी की, इनकी रचना थी काश्तकारी का चाबुक, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल गया उससे भी इंपॉर्टेंट कि काश्तकारी के चाबुक
खोज किसने लिखा? तो ज्योतिरा फूले ने। सत्यशोधक समाज किसकी स्थापना है? तो ज्योतिरा फूले ने, ठीक है। अमेरिकी निग्रो यानी काले के बारे में शासक करते किस किताब में? गुलामगिरी या गुलामी किताब में करते, ठीक है। उसके बाद दीन बंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली कौन निकाला? तो ज्योतिराव फुले ने। किस लिए निकाली मराठी पत्रिका? तो याद रखिएगा जो आर्य वैदिक परंपरा थी उसका विरोध करने के लिए, तो आर्य का विरोध करने के लिए दीन बंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। तो ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब लिखा वीर सेलिंग, वीर सेलिंग जो है दक्षिण भारत के थे और इनका पूरा नाम कुडुकरी वीर सेलिंगम था, ठीक है। जो कलकत्ता बम्बई में सुधार आंदोलन चला रहे थे, कलकत्ता बम्बई सुधार आंदोलन कौन चला रहे थे भैया? तो दक्षिण भारत के कुडुकरी वीर सेलिंग थे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे आधुनिक तेलुगु के आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक माना जाता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक कौन है भैया? तो कौन है भैया? तो इनका पूरा नाम है कुडुकरी वीर सेलिंगम। तो वीर सेलिंगम जो है, वीर सेलिंगम जो है वो वीर थे और है ना, वो वीर मतलब ट्रिक्स बता रहा हूँ कि वीर थे और तेलुगु साहित्य का स्थापना किए। तो वीर आदमी तेलुगु साहित्य का स्थापना करेगा, समझ ना। तो तेलुगु साहित्य का स्थापना किसने किया था? वीर सेलिंगम ने किया था, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है तमिलनाडु सैम में गुड्डर जाति और कोगु बोतल्ला सोमर मैसूर में बोकालिंगा तथा लिंगावा संगठनों ने केरल में इरावा जाति, ये सब छोटे छोटे जातियों के नाम बता रहा है कि इनके क्षेत्र में कौन सी जाति थी। अब नारायण गुरु के बारे में जानेंगे, तो नारायण गुरु जो थे नारायण ये जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो क्वेश्चन पूछता है नारायण गुरु जो थे वो किसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे? जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। केरल में एझावा निम्न जाति के में जन्मे नानू आसन, जो बाद में इनको नारायण गुरु कहा गया था। नारायण गुरु का जो मूल नाम था उनका नाम क्या था? नानू आसन, याद रखिएगा, जो बाद में धार्मिक गुरु बन जाए। केरल के एझावा में ही का जन्म होता था, केरल के एझावा में जन्म होता नानू आसन का, जो बाद में नारायण गुरु बन गए जो कि एक धार्मिक गुरु थे। श्री नारायण धर्म प्रचलन युगम की स्थापना की था, नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना 1902 में किए थे श्री नारायण गुरु, है ना। तो याद रखिएगा ये जो नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना 1902 ईस्वी में किए हुए थे श्री नारायण गुरु, ठीक है। धार्मिक गुरु थे और केरल के जवाब में जन्मे, इनका ओरिजिनल नाम था नानू आसन, ठीक है। अब देखेंगे तो मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है 1818 में स्थापना हो रही है, तो इतना याद रखिए मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1818 में हुई है, जिसमें निचली जातियों के समूह के आय खेती और मजदूरों में लगभग गुलामी की स्थिति को ढेल दिया। तो मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताया कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी और भी हालत खराब होती जा रही है, 1818 में जो रिपोर्ट जारी हुआ था, ठीक है। अब ई वी रामास्वामी नायर पेरियार के बारे में बताते, ई वी रामास्वामी पेरियार जो उसमें भी थे, आत्मसभा आंदोलन ये चलाते, तो क्वेश्चन पूछते आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो यही सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया था कि ई वी रामास्वामी नायर जो है किससे संबंधित थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, आत्मसम्मान। और ये क्वेश्चन ये लाइन ही उठा के दे दिया था, याद रखिएगा ये बीपीसी में लाइन दे दी आपके, ये उसको कोशिश करूंगा कि जो थंबनेल है उसमें लगा दूंगा, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 20वीं सदी में आरंभ गैर ब्राह्मण आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ई वी रामास्वामी जो जाति के आलोचक थे, जाति व्यवस्था, तो क्वेश्चन पूछेगा ई वी रामास्वामी निम्न से कौन जाति व्यवस्था के आलोचक थे? तो ई वी रामास्वामी, ठीक है। और भी थे लोग, ज्योतिरा फूले भी थे, ई वी रामास्वामी थे और ये नारायण गुरु थे, सब तो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे। हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, और ये आप लोग पढ़े कि जस्ट अभी पढ़े लोग एनसीईआरटी में कि जो हिंदू पुराण था भगवद्गीता रामायण मनुस्मृति सब के बारे में बहुत कट्टर भयानक विरोधी थे पेरियार साहब, ठीक है। ई वी रामास्वामी जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है। और 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ई वी रामास्वामी द्वारा निम्न से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वाभिमान या आत्मसम्मान वाला आंदोलन, वही 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। 1933 में यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ कुडू अरसी नामक अपने आलेख में, तो उनकी कुडू अरसी नामक आलेख किसकी भैया? तो पेरियार का है। 1933 में पेरियार में लिखा आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है, ठीक है। पेरियार ने लिखा आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है, ठीक है। पूंजीपति और धर्म की क्रूरताओं को खत्म करना और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एकमात्र रास्ता है, यानी पूंजीपतियों को खत्म करो, धर्म वाला जो सिस्टम इसको हटाओ, है ना, दिया आत्मसम्मान वाला आंदोलन के नाम रखिए, ठीक है। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया, बाद में ये द्रविड़ कसगम नाम में जानी गई। परियार का मनिया माई से ब्याह हुआ, तो परियार की जो पत्नी का नाम था मनिया माई, ठीक है, याद रखिएगा मनिया माई इनकी पत्नी के नाम, जब नाम दिया हुआ तो पूछ सकता है, ठीक है ना। मनिया माई का से विवाह एक विवाद ने जन्म दिया, क्योंकि इनके विरोधी अन्ना दुराई एक द्रविड़ मनेत्र गश्मर 1985 में स्वयं को अलग कर लिया और संगठन में केवल एक सामाजिक सुधार चिंतन का केंद्र बना। तो मनिया माई से ब्याह करने के बाद इनकी जो आंदोलन की जो ग्रुप थी वो टूटने लगी। राष्ट्रीय महात्मा गांधी देखेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में देखा उसमें नहीं दिया हुआ था, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ 1919 में पहला अखिल भारतीय डिफरेंस क्लास सम्मेलन किया, तो पहला डिप्रेस्ड
क्लास सम्मेलन की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन नामक ये पत्रिका का भी है, हरिजन नामक ये सब चीज़ हरिजन नाम दिया, हरिजन नाम ही इन्होंने दिया था। छोटे जो जो अछूते या दलित लोग थे उनको, दलितों को क्या नाम दिया इन्होंने, हरिजन नाम दिया था। किसने, तो महात्मा गांधी ने। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। एक बार क्वेश्चन यही BPSC में पूछा हुआ था, BPSC में TRA 2 में पूछा हुआ था 9th 10th में, है ना, कि हरिजन नामक पत्रिका जो है या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने 1932 में किया। और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला, तो महात्मा गांधी 1933 में। देखिए सेवक संघ की स्थापना, संघ की स्थापना कर रहे हैं 1932 में, और पत्रिका निकाल रहे हैं साप्ताहिक पत्रिका 1933 में। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि हरिजन नामक जो पत्रिका थी वो किस तरह की थी, साप्ताहिक थी, ठीक है, किस तरह की थी, तो साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। 26 सितंबर 1932 में भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना समझौता हुआ, और ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके आप आए हुए थे एग्जाम में कि पूना समझौता किस किस के मध्य में हुआ था, और यही क्वेश्चन यहीं से उठा के दे दिया था। BPSC वाला में आप सभी देख सकते हैं, आपको ना उसको थंबनेल में लगा दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहता है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया था, ठीक है। तो पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जो अलग मांग रहे थे दलितों के लिए जगह, इसीलिए वो समझौता हुआ था, ठीक है। अब एक दो चैप्टर और बच गया, देख लेते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर भी उनके बारे में नहीं दिया हुआ था उस चैप्टर में। देखिए ये चीज़ें NCERT में मिसिंग थी, और बताइए इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा। 2-3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से दिख गया जो कि इसमें इसी बुक में कथा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए 1924 ईस्वी में, 1920 में पहले तो ये एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ किए, और 1900 इस आंदोलन ने संगठित रूप लिया 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का। तो बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन कब करते हैं, ये भीमराव अम्बेडकर करते हैं 1924 में। 1927 ईस्वी में महादलित सत्याग्रह क्रम किया, तो महादलित सत्याग्रह क्रम 1927 में। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किसने किया, भीमराव अम्बेडकर ने कब किया, 1924 में किया। 1930-31 में ये गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा आगे जाके, जब ये गांधी जी भी जाएंगे गोलमेज सम्मेलन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 42 में ये क्या की हुई है, तो 42 में अम्बेडकर साहब ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया, तो ध्यान से फिर से आ जाइए ना। 20 में ये आंदोलन प्रारंभ किए थे, 24 में ये बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन करते हैं, 27 में महादलित सत्याग्रह का आरंभ करते, और 42 में ये अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते, और खुद ये 50 में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से डाटा आपको मिलेगा बहुत सारा चीज़ें। अम्बेडकर 1924 ईस्वी में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया, स्थापना करके मुक्ति आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन में मुक्ति आंदोलन की बिगुल फूंका गया, या किस सभा का मुख्य उद्देश्य था मुक्ति आंदोलन का बिगुल फूंकना, तो बहिष्कृत हितकारी का सभा का, ठीक है। और ये किसने इसकी स्थापना किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में किया था, ठीक है। अम्बेडकर द्वारा जाति उन्मूलन के उपाय किए गए, उन्होंने मनुस्मृति को नकार दिया, और माना जाता है कि उन्होंने उसको जला भी दिया था मनुस्मृति को। इसीलिए आज देखते होंगे बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीज़ मिलते रहता है आपको नेट पर, कि निम्न जाति के लोगों द्वारा ये मनुस्मृति को जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो फूलों द्वारा किस संगठन का स्थापना की गई थी, तो ज्योतिराव फूले जो थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। कौन से समाज के, तो यहाँ आ सकते हैं सत्यशोधक समाज के। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है गैर बराबरी विद्रोही आंदोलन को केरल में, केरल से कौन थे, तो केरल से नारायण गुरु थे, ठीक है। केरल से कौन से गैर बराबरी के आंदोलन थे, केरल से थे नारायण गुरु, जैसे अभी हम लोग पढ़े लो नानू साहब थे जो। पेरियार द्वारा कौन से चलाया गया था, तो आत्मसम्मान आंदोलन जो चलाया था पेरियार द्वारा, पेरियार तो आत्मसम्मान आंदोलन से ही थे, ठीक है। हरिजन सेवा संघ के, तो सेवा संघ की स्थापना 1932 में, हरिजन पत्रिका रहता तो 1933 में, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर किस बहिष्कृत हितकारी सभा का, तो बहिष्कृत हितकारी का सभा बोलेगा तो 1924 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिए बहिष्कृत हितकारी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को कैसा लगा क्लास, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास से बेहतर लग रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ बिहार का मैं सोच रहा हूँ कि बिहार का आधुनिक बिहार इतिहास जो है, बिहार के इतिहास एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए 1.5 घंटे का, और उसमें पूरे आधुनिक बिहार को एक जगह उसको निपटा लिया जाए, और क्वेश्चन सर के साथ विथ MCQ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर यहाँ तक आ चुके होंगे क्लास, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या उस क्लास को शुरू किया जाए, है ना, और एक ही क्लास में उसको निपटा दिया जाए, या उसको अलग अलग चैप्टर वाइज लेके आया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ही क्लास में 1.5 घंटा का हो, या 1 घंटे का हो, या 2 घंटे का हो, एक ही साथ पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाए आधुनिक बिहार को, क्योंकि जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ लिए लो तो बिहार वाला आसानी से कवर कर लेंगे लो, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन आंसर को MCQ क्वेश्चन भी सेट लगा के उसको कंप्लीट कर लिया जाए उसके, और उसके बाद है ना 2 दिनों में हम लोग इतिहास खत्म हो जाएगा और ज्योग्राफी भी अमूमन ख़त्म कर लेंगे लो, ठीक है।
ना, तो 2 दिनों में जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग, जैसे कि मैं बोला था 10 मई से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, तो हमें लग रहा है कि 10 मई के करीब में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लोग, क्योंकि वो चीज़ें मुझे अब दिख रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगातार आएगा हर एक सब्जेक्ट का, बहुत तेज़ी से आएगा, और जीएस पेपर पर भेड़ा जाएगा, करंट अफेयर मैथ पर, साइंस पर भेड़ा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो ही जा रहा है। ठीक है, इसी से वो 8-8 नंबर को जा रहा है, 3 सब्जेक्ट जो बच गया मैथ का 8 नंबर का, और बच जाएगा आपको लोग का 8 नंबर का, आपको लोग का करंट अफेयर का, और 8 नंबर साइंस का। इस तीनों का एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट इतना लगाया जाएगा कि अमूमन जो है ये 24 नंबर में कम से कम जो है हम लोग को 24 में 15 से प्लस जो है आसानी से बन जाए। ठीक है, तो बन जाएगा कोई चीज़, सबको तो 120 में तो 120 तो आएगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, और फिर किसी दूसरे क्लास से मिलेंगे, यहीं पर क्लास करते एंड। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।